वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है भेजता है भेजता है, लेकिन जब लोग देखते ना, जैसा आप एग्जांपल ले लो कि आपकी वीडियो को 10 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा, दोस्तों यूट्यूब चैनल को कब बूस्ट करता है? अगर आपका नया चैनल या पुराना चैनल है, कितना वीडियो अपलोड करने के बाद में आपको बूस्ट मिलती है, कितना टाइम के बाद में आपको बूस्ट मिलती है चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में एड्रेस बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देते, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड, जब आपका एक न्यू यूट्यूब चैनल आप क्रिएट करते हैं तो उस पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो उस वीडियो का इंप्रेशन जो है यूट्यूब बहुत भेजता है, मतलब नए नए लोगों के पास आपकी वीडियो को भेजता है यूट्यूब। जैसे आपने एक वीडियो अपलोड किए तो आपका तो 0 सब्सक्राइबर रहेगा स्टार्टिंग में, जब 0 सब्सक्राइबर है तो YouTube क्या करेगा, कम से कम 10-20 लोगों के पास भेजेगा, हो सकता है 100 लोगों के पास भेजे या 200 लोगों के पास भेजे, मतलब स्टार्टिंग में 10 लोगों के पास YouTube भेजेगा आपकी वीडियो को। जब आपको एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे अगर स्टार्टिंग से आपको नॉलेज है YouTube के बारे में, तब तो आप YouTube पे जल्दी बूस्ट कर सकते हो अपनी वीडियो को, अपने चैनल को जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपको मतलब ऑलरेडी आपको पता है YouTube के बारे में, एल्गोरिथम के बारे में, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है YouTube पे, तो आप ग्रो कर सकते हो। क्योंकि जब स्टार्टिंग में एक वीडियो अपलोड करते हो, दो वीडियो अपलोड करते हो, तीन वीडियो अपलोड करते हो दोस्तों, तो YouTube इंप्रेशन भेजता है, आपकी 100 वीडियो तक इंप्रेशन भेजता है YouTube। जब तक आप 100 वीडियो अपलोड करेंगे YouTube इंप्रेशन भेजता है भेजता है भेजता है, लेकिन जब लोग देखते ना, जैसा आप एग्जांपल ले लो कि आपकी वीडियो को 10 लोगों तक YouTube ने भेजा, अब 10 लोगों ने क्लिक ही नहीं किया, एक भी बंदा क्लिक नहीं किया, या दो बंदे तीन बंदे क्लिक किए और वो भी क्लिक करके उसके बाद में आधे में कट करके छोड़ गए, मतलब देखे नहीं वीडियो को दोस्तों, तो ऐसे में क्या होगा कि YouTube भेजता है स्टार्टिंग में इंप्रेशन, उसके बाद में आपकी वीडियो का इंप्रेशन डाउन कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है कि ये वीडियो जो है इंटरेस्टेड नहीं है, या मतलब ऐसी वीडियो नहीं है ताकि लोग मतलब देखते नहीं है, तो इस वीडियो को आगे भेजना बेकार है। मतलब YouTube का कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, YouTube का एल्गोरिथम जो है बहुत टाइट है, YouTube का एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है। जब आप एक वीडियो अपलोड करेंगे और अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, अच्छे से जानकारी लोगों को देंगे, मतलब अच्छी वीडियो रहेगी, तो लोग फुल वॉच करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपकी वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए और थंबनेल भी अच्छा होना चाहिए। जब आपकी वीडियो का इंप्रेशन YouTube 10 लोगों के पास भेजता है तो वहाँ पे क्लिक करना चाहिए, क्लिक थ्रू रेट जो है CTR आपका अच्छा आना चाहिए। CTR अगर स्टार्टिंग में अच्छा आया और आपकी वीडियो को वॉच अच्छे से किया गया तो 100% आपकी वीडियो वायरल जाएगी, आपका चैनल जो है बूस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि YouTube को भी लगेगा कि इस चैनल पे ऐसी वीडियो अपलोड होती है जिस पे ज़्यादा लोग वॉच करते हैं, इसका CTR भी अच्छा रहता है। CTR से भी सब कुछ नहीं होता फ्रेंड, मैंने देखा है कि CTR अगर आपका बहुत अच्छा है फिर भी वायरल नहीं होता है वीडियो, ऐसा नहीं कि CTR बहुत अच्छा है तो वीडियो वायरल हो जाएगा, या फिर आपकी वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है तो वायरल हो जाएगा, मतलब वहाँ पे तीनों मैटर करता है। मैं अगर आपको दिखाऊँ, किसी किसी वीडियो में तो अच्छा वॉच टाइम मिलता है लेकिन व्यूज़ नहीं आते हैं, किसी किसी वीडियो में CTR अच्छा होता है लेकिन देखा नहीं जाता, मतलब सब कुछ जब रहेगा ना, CTR भी आपका अच्छा आएगा, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट उसके बाद में देखा भी ज़्यादा जाएगा, तभी YouTube ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा, तभी वायरल कराएगा। अब दोस्तों YouTube का ये कोई परफेक्ट नहीं बता सकता है कि मतलब कितना वीडियो अपलोड करने के बाद में आपके चैनल को बूस्ट करेगा, कितना दिन के बाद आपके चैनल को बूस्ट करेगा, लेकिन जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि अगर आप स्टार्टिंग में न्यू चैनल ओपन करने जा रहे हो तो आप एक बार थोड़ा सा नॉलेज ले लो और सही तरीके से वीडियो बनाओ और लॉन्ग वीडियो बनाओ, अच्छे तरीके से थंबनेल बनाओ, CTR आना चाहिए उसका, और उसके बाद में एडिटिंग सही तरीके से करो, मतलब ताकि आपकी वीडियो को लोग ज़्यादा देखें, जितना ज़्यादा आपकी वीडियो को देखा जाएगा उतना ही YouTube को लगेगा कि ये बेस्ट वीडियो है, उतना ही लोगों के पास भेजेगा। दोस्तों जो पुराना चैनल होता है उसको YouTube बूस्ट जल्दी नहीं करता है क्योंकि वो ऑलरेडी बूस्ट कर चुका होता है, मतलब इंप्रेशन भेज भेज के थक जाता है YouTube। जैसे अभी हमारे YouTube चैनल को देख लो तो स्टार्टिंग में अच्छा इंप्रेशन जाता था, स्टार्टिंग में ही अच्छा व्यूज आता था, जबकि सब्सक्राइबर 0 था, सब्सक्राइबर 150-200 थे, उस टाइम अच्छा इंप्रेशन YouTube भेजता था, लेकिन अभी 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर है फिर भी इंप्रेशन उतना नहीं आता ना व्यूज़ आते हैं। तो YouTube स्टार्टिंग में जो है न्यू चैनल पे ज़्यादा इंप्रेशन भेजता है। अगर मैं अभी न्यू चैनल एक बना लूँ अच्छे तरीके से, उस पर वीडियो अपलोड करूँ तो इससे जल्दी वो ग्रो हो जाएगा, मुझे यहाँ तक गारंटी है कि इस चैनल का जो है इंप्रेशन YouTube अभी बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं भेज रहा है क्योंकि YouTube स्टार्टिंग में भेज भेज के थक चुका है। तो स्टार्टिंग अगर आप एक चैनल बनाने जा रहे हो तो सही तरीके से आप सीख लो, उसके बाद में वीडियो अपलोड करो, आपका बहुत जल्दी चैनल जो है ग्रो कर जाएगा। लेकिन आप ये सोचो, अब मैंने इस चैनल पर जब काम किया तो स्टार्टिंग में मैंने सीखा भी थोड़ा बहुत, सिखाया भी, मतलब उसी में सीखता रहा सिखाया, तो स्टार्टिंग की मेरी वीडियो देखोगे तो उसमें मतलब मैं थंबनेल कैसा लगाता था, कैसा बोलता था, सब कुछ बिल्कुल अलग था। इसके वजह से अगर अभी इस टाइम एक नया चैनल बनाऊं तो इससे जल्दी वो ग्रो हो जाएगा, मुझे यहाँ गारंटी है। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया फ्रेंड कि अगर आपका जो है आपकी वीडियो को ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं आपकी वीडियो पर,
और CTR आपका अच्छा है तो व्यूज 100% ज्यादा आएंगे। अगर उस रिलेटेड मतलब कोरिस के हिसाब से आपकी वीडियो है तो किसी भी रिलेटेड हो, YouTube आपके वीडियो को जब बूस्ट करता है जब आपकी वीडियो पे भर भर के वॉच टाइम मिलने लगते हैं, मतलब जो है एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है आपकी वीडियो का जो है लोग ज्यादा देखने लगते हैं, तब YouTube वायरल कराना स्टार्ट करता है। अगर आपका नया चैनल तो स्टार्टिंग में YouTube भेजेगा नए नए लोगों के पास, आप देखते होंगे YouTube ओपन करते होंगे कि जिनका 10-20 सब्सक्राइबर रहता है उनका भी वीडियो आपके सामने आ जाता होगा, तो YouTube भेजता है जैसे 10 लोगों के पास भेजा, अगर 100 लोगों ने क्लिक करके देख लिया तो आपका वीडियो वायरल हो गया, मतलब क्लिक ऐसा नहीं कि क्लिक करके छोड़ दे, आपकी वीडियो को क्लिक करके देखेंगे तब। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब अपनी बात आपको समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल कर अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।